आज के इस अवसर पर छात्र छात्राओं को मैं बस यही संबोधन करना चाहता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, लोक संगीत, जनजातीय संगीत, लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य हमारे भारत देश की आदिम संस्कृति है, आदिम धरोहर है और इस धरोहर का संवर्धन करना, इसका संरक्षण करना और इसका जतन करना यह हमारा कर्तव्य है। हम सभी नृत्य और संगीत के उपासक हैं। मैं भी एक नृत्य कलाकार हूं, शास्त्रीय नृत्य कलाकार हूं। हम सभी भारत के इस आदिम संस्कृति का, चाहे वह शास्त्रीय नृत्य हो, शास्त्रीय संगीत हो, चाहे वो लोक नृत्य हो, लोक संगीत हो, या जनजातीय नृत्य हो या जनजातीय संगीत हो, हम सभी इसको सीख रहे हैं, हमारी लगन है। इसका मतलब है कि हम सब में कुछ खास है। वी आर द क्लास, नॉट मास। अगर ऐसा होता तो आम जनमानस सभी लोग लोक नृत्य कर रहे होते, सभी लोग शास्त्रीय नृत्य कर रहे होते, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पर्टिकुलर पर्सन्स ही ये लोक नृत्य हो चाहे शास्त्रीय नृत्य हो, लोक संगीत हो चाहे शास्त्रीय संगीत हो, सीखने की इच्छा रखता है, जज्बा रखता है और सीखता है, इसको इसका प्रशिक्षण लेता है। कुछ लोग ही ऐसे हैं जनमानस में जो ये कलाओं को सीखने की इच्छा रखते हैं और फिर कॉलेजेस में, संगीत विद्यालयों में एडमिशन लेते हैं। सो वी आर द क्लास, हम लोग खास हैं। इस अवसर पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी लोक संस्कृति की जो उसकी उसका जो प्राचीनतम स्वरूप है, उसका जो स्ट्रक्चर है, लोक नृत्य का स्ट्रक्चर, लोक संगीत का स्ट्रक्चर, उसको एज इट इज बरकरार रखना चाहिए, जो हमें पुरखों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है और जैसा हमें गुरुजनों ने हमको सिखाया है, उसी रूप में हमको उसको प्रस्तुत करना चाहिए मंच पर। कितना भी आधुनिक जमाना क्यों ना आए, कितना भी कंप्यूटराइजेशन, डिजिटलाइजेशन युग क्यों ना आए, लेकिन हमारी ये जो कलाएं हैं, उसकी जो बुनियाद है, उसका जो ढांचा है, उसमें तनिक भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, एक्सपेरिमेंट के नाम पर, उसके साथ तनिक भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हैं तो उसके भी कुछ दायरे होते हैं, उसका भी कुछ रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं। तो ये हमें गुरुजनों से सीखना होगा पहले। तो ये मैं स्पेशली छात्रों के लिए बता रहा हूँ कि पहले हमें गुरुजनों से समझना होगा कि किस तरह से हम, अगर एक्सपेरिमेंट भी करना है तो कितने लिमिट तक हमको एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये बात सभी लोग एक ध्यान में रखिए आप कि हमारा जो मूल नृत्य है या संगीत है, उसको उसी स्वरूप में प्रस्तुत होना चाहिए मंच पर। चाहे हम अपने त्रिपुरा में यहाँ प्रस्तुत करें, अगरतला में, या बाहर भारत के किसी भी शहर में प्रस्तुत करें, उसके उस मूल स्वरूप में ही हमें प्रस्तुत करना चाहिए, उसी पे हमारा फोकस होना चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, सभी माननीय विद्वज्जन मंच पर उपस्थित हैं, यहाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन डिग्री तक लोक संगीत और लोक नृत्य में हमारे छात्र अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न उत्पन्न होता है कि इसके बाद क्या? क्या जिनको, जिन स्टूडेंट्स को लोक नृत्य में ही रुचि है, लोक संगीत में ही रुचि है, जिनको आगे लोक नृत्य लोक संगीत में ही कैरियर बनाना है आगे चलकर पीएचडी लेवल पर, रिसर्च लेवल पर, तो क्या उनके लिए हमने कोई जॉब स्कोप पैदा किया है? क्या ऐसे कोई अवसर पैदा किया है हमने
ये हम सभी को कोशिश करना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा सभी हमारे मंच पर उपस्थित जो भी हमारे विद्वत जन हैं कि हमको हमारी चिंता ये भी होनी चाहिए कि ये छात्र ग्रेजुएशन तो लोक नृत्य में लोक संगीत में करते हैं लेकिन मजबूरी में उनको बाद में शास्त्रीय नृत्य की तरफ जाना पड़ता है। तो ऐसा ना हो, त्रिपुरा में कहीं पे भी मास्टर डिग्री लेवल पर लोक नृत्य लोक संगीत ये विषय नहीं है। तो ये विषय शुरू करने के लिए हमारा प्रयास होना चाहिए कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में भी। तो इस तरीके का हमें कुछ प्रपोजल बना के हमको सरकार को ये निवेदन करना चाहिए। ये मैं सभी से निवेदन करूंगा इस मंच पर। मैं आपका ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करूंगा, तो ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखने लायक है छात्रों को, मैं सभी को। और मैं फिर से एक बार आप सभी को बधाई देता हूँ आज के इस अवसर पर, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम भाई जो दोनों सर, मैं पहले पहले कहना हम भाई।